वर्ड ब्लाइंड एक ऐसा वर्ड है जिसे आप अपने लाइफ में कई बार पढ़े होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ड ब्लाइंड एक नाउन है, एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है, और इन सभी सूरत में इनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो आइए फ्रेंड देखें कि वर्ड ब्लाइंड को आप कैसे यूज करेंगे। जब वर्ड ब्लाइंड का यूज हम एक नाउन के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है अंधे लोग, जैसे हमें अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे We should help the blind, यानी हमें अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको कहना हो कि अंधे लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The blind depend on others, यानी अंधे लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कुछ लोग अंधे लोगों की मजाक उड़ाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Some people mock at the blind, यानी कुछ लोग अंधे लोगों पर मजाक उड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वर्ड ब्लाइंड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंधे लोग। जब वर्ड ब्लाइंड एक वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब होता है अंधा करना, जैसे अगर आपको कहना हो कि जख्म ने उसको अंधा कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द इंजरी ब्लाइंडेड हिम, यानी जख्म ने उसको अंधा कर दिया। अगर आपको कहना हो हमलावर तेजाब से उसे अंधा कर दिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द अटैकर्स ब्लाइंडेड हिम विद एसिड, यानी हमलावर तेजाब से उसे अंधा कर दिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वर्ड ब्लाइंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अंधा करना। वर्ड ब्लाइंड एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है अंधा, और इसे किसी इंसान के हालत के बारे में पता चलता है कि उस इंसान का ये कंडीशन है, जैसे वो अंधा है ही इज ब्लाइंड, वो अंधी है सी इज ब्लाइंड, वे लोग अंधे हैं दे आर ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि वर्ड ब्लाइंड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंधे लोग, वर्ड ब्लाइंड एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है अंधा करना, और वर्ड ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अंधा। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप नाउन वर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेकर कंफ्यूज रहते हो, यानी इंग्लिश ग्रामर को लेकर कंफ्यूज रहते हो। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पर आए, जहां आप पाएंगे एक कंप्लीट ग्रामर के साथ साथ बहुत सारे स्पोकन के स्ट्रक्चर्स, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।